आप लोगों को स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दे रही होगी और आप लोगों को मालूम भी होगा कि 18 सितंबर 2021 तक ये पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। 18 सितंबर को इन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपना। इनका आप लोग बैकग्राउंड देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप इन्हें असफल राजनेता नहीं कह सकते। ये आप सभी जानते होंगे कि ये भारतीय सेना में भी रहे हैं और आपने देखा है कि जो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें आपने देखा होगा कि भारत की विजय हुई थी, यानी कि भारत की जीत हुई थी और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, उसमें भी ये शामिल थे। कौन है ये? हैं आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह। और मुझे लगता है कि आप देखिए कि जो सेना में रहा है, जिसने धरती पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि जमीनी हकीकत जानी है, मुझे लगता है कि वो अगर राजनीति में आता है तो काफी हद तक वो सफल ही रहेगा, क्योंकि वो सभी परिस्थितियों से जूझा रहता है। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को दे देता हूं, क्योंकि हमारे देश के राजनेता हैं और जाने माने राजनेता हैं, और सबसे बड़ी मुझे अच्छी बात ये लगी कि देश के सैनिक भी रहे हैं। और आप सोचिए कि भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें भी इनका योगदान रहा है, तो इसलिए और ज्यादा हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं। तो ये आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह। और आपको बता दूं, एक बार आप लोग पंजाब को देख लीजिए पहले, फिर और बात करते हैं हम लोग। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे तो ये आपको पंजाब देखने को मिलेगा। और आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान से हमारी सीमा लगती है पंजाब की, और इसकी राजधानी की आप बात करें तो चंडीगढ़ हो गई। और यहाँ इसके अगर हम लोग पंजाब राज्य की बात करें तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य बना था। और यहाँ आप देखेंगे विधानसभा सीटों की बात करें तो 117 देखने को मिलेगी, 117। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 7 देखने को मिलेगी, और वहीं हम लोग लोकसभा सीटों की बात करें तो 13 सीटें देखने को मिलेगी। और आपको एक सामान्य जानकारी के लिए बता देता हूं कि आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 163 आपने पढ़ा भी होगा, अगर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी हुई है, संविधान पढ़ा होगा, तो उसमें आप देखते हैं कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 163 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब आप कहेंगे कि किसे उठा के मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, तो आपको बता दूं कि जिस पार्टी के पास बहुमत होता है, एक तरह से बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन कई बार आप देखते हैं कि बहुमत नहीं मिल पाता है। मान लीजिए 100 सीटें हैं किसी राज्य में, और आप देखिए बहुमत के लिए आप देखें 51 सीटें जरूरी रहेंगी। अगर किसी को 51 सीटें नहीं मिलती हैं तो राज्यपाल के पास ये स्वविवेक है, यानी कि विवेकाधिकार है उसका, कि वो ऐसे किसी व्यक्ति को सीएम बना सकता है जो उसे लगता हो कि ये बहुमत जुटाने में सफल रहेगा। या फिर राज्यपाल क्या करता है कि आप देखेंगे कि राज्यपाल सबसे बड़े पार्टी के नेता को बुलाता है, अगर वो सरकार बना लेते हैं तो ठीक है, वरना दूसरे नंबर की, इस क्रम से चले आते हैं नीचे। और आपको ये भी बता देता हूं कि आपके चाहे आपके मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, इन्हें शपथ भी आपका राज्यपाल ही दिलाता है, और ये अपना त्यागपत्र ही राज्यपाल को ही देते हैं। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। और एक बात, आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आप विधानसभा के सदस्य हैं या नहीं है, विधान परिषद के सदस्य हैं या नहीं है, 6 महीने तक आप मुख्यमंत्री या फिर मंत्री रह सकते हैं। इसी तरह आप केंद्र में जाइए तो आप प्रधानमंत्री या फिर आप कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, अगर आप राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य नहीं हैं तब भी। लेकिन, और इसे लेकिन का बहुत महत्व भी है, अगर आप कैबिनेट में शामिल होते हैं, मंत्री बनते हैं या प्रधानमंत्री बनते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं या राज्य में मंत्री बनते हैं, तो आपको 6 महीने के अंदर
अगर राज्य की बात करें मुख्यमंत्री या मंत्री, तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना अनिवार्य है। इसी तरह आप केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र में अगर आप मंत्री या फिर प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपको लोकसभा या राज्यसभा से 6 महीने के अंदर सदस्य बनना अनिवार्य होगा। इस बात को याद रखिएगा। और इसके इस तरह के आप लोग अगर देखेंगे तो कई आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे कि वो जब मुख्यमंत्री बना था तो वो ना तो विधानसभा का सदस्य था ना ही विधान परिषद का सदस्य था, या कोई मंत्री बना था, केंद्र में की बात कर रहा हूं, तो ना तो वो लोकसभा का सदस्य था ना ही राज्यसभा का सदस्य था, फिर भी वो मंत्री बन गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। मुझे लगता है कि कभी कभी अच्छा भी रहता है। खैर छोड़िए, अब लोग हम लोग आपके कैप्टन साहब पर वापस आते हैं। आपने स्क्रीन पर एक फोटो देख ही ली है कैप्टन साहब की। इनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब आप कहेंगे कि अमरिंदर सिंह कैप्टन क्यों लगा हुआ है, तो आप सभी जानते हैं कि ये सेना में रहे हैं और कैप्टन के पद पर रहे हैं, तो इनका नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह रख दिया गया। और अगर हम लोग जन्म तिथि की बात करें तो 11 मार्च 1942 को इनका जन्म होता है। यानी कि आप देखिए, जब हम लोग इनका जन्म होता है कैप्टन अमरिंदर सिंह का, उस समय हमारे ऊपर किसका राज चल रहा था? अंग्रेजों का राज चल रहा था। अगर हम लोग इनके जन्म की बात करें तो पटियाला पंजाब में इनका जन्म होता है। और इनके पिता की बात करें तो यादवेंद्र सिंह इनके पिता, और जो आप देखेंगे पटियाला के महाराज थे। आजकल आप देखिए कि आप सेना में आप किसी महाराजे के लड़के को नहीं देखते हैं, बच्चों को नहीं देखते हैं आप लोग, लेकिन उस समय आप सोचिए कि इनके पिता ने इन्हें सेना में भर्ती के लिए या सेना में शामिल होने के लिए इजाजत दे दी। महाराजा के परिवार से होने के, शाही परिवार से ये संबंध रखते हैं। और इनकी माता की बात करें तो आप देखेंगे मोहिंदर कौर इनकी माता। और जीवन साथी यानी कि पत्नी की बात करें तो प्रनीत कौर, जो आप सभी जानते हैं कि राजनीतिक हैं, यानी कि राजनीति से जुड़ी हुई हैं। और इनकी अगर हम लोग बच्चों की बात करें तो एक तो इनका पुत्र है जिनका नाम है रणिंदर सिंह, और पुत्री की बात करें तो जय इंदर सिंह, जय इंद्र इंदर सिंह, ठीक है। और शिक्षा की बात करें तो आप देखेंगे बेलहम बॉयज स्कूल और लॉरेंस स्कूल सनावर से इन्होंने क्या किया हुआ है, शुरुआती शिक्षा ली हुई है। और भारतीय सैन्य अकादमी से इन्होंने स्नातक किया हुआ है। आप लोग भी तो स्नातक करते हैं, आप लोग 12वीं के बाद कोई बीए कर लेता है, कोई बीएससी कर लेता है, कोई बीकॉम कर लेता है, तो उसे ही आप लोग स्नातक कह देते हैं। अगर हम लोग इनके शौक की बात करें, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि आजकल लोगों के शौक फेसबुक व्हाट्सएप चलाना हो चुके हैं, समझ रहे हैं, स्मार्टफोन में टाइम बर्बाद करना हो चुका है, तो उसी तरह आप देखेंगे इनकी शौक कुछ और है। पोलो राइडिंग क्रिकेट स्क्वेश और बैडमिंटन खेलना इनका शौक है। और इनसे इन्होंने किताबें भी कुछ लिखी हुई है, ये रिज रिज टू फार लेस्ट बी फॉरगेट द लास्ट सनसेट राइज एंड फॉल ऑफ लाहौर दरबार द सिक्स इन बिटेन 150 ईयर्स ऑफ फोटोग्राफ जैसे टॉपिक पर इन्होंने किताबें भी लिखी हुई है। तो इन्हें लिखना पढ़ना भी काफी पसंद है। और व्यवसाय की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे इनके पैसा की बात करें, पैसा की तो भारतीय सेना में रहे हैं, और आप देखेंगे 1963 में ये शामिल हो जाते हैं भारतीय सेना में, और 1963 से लेकर 1966 तक ये भारतीय सेना में रहते हैं। 1965 के भारत पाकिस्तान में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, इसमें इन्होंने भाग लिया हुआ था। किनने? किनने? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। आप लोगों को जैसा कि मालूम होगा कि 1962 में हमारा और चाइना का युद्ध होता है, यानी कि भारत और चाइना के बीच, और उस युद्ध में आप देखते हैं कि भारत की हार होती है, और भारत की हार हो जाती है तो पाकिस्तान सोचने लगता है कि अब भारत कमजोर पड़ चुका है और हम उससे भारत से जीत सकते हैं, तो वो भी युद्ध एक तरह से ठान देता है, युद्ध करने लगता है।
लेकिन आप देखते हैं कि उसमें पाकिस्तान की बहुत बुरी हार होती है। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने अभी तक जितनी बार भी इस तरह का युद्ध छेड़ा है उसे मुंह की खानी पड़ी, लेकिन आप देखते हैं फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेता है। एक तरह से आपने देखा है कि आपके हमारे भारत में एक अच्छी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ पुंगैया में डाली और जब निकाली से वो टेढ़ी की टेढ़ी निकली। आप कुत्ते की पूंछ देखते हैं ना, वो टेढ़ी, उसे आप लोग पाइप में लगा के सालों रखिए तब भी वो सीधी नहीं हो सकती है। तो पाकिस्तान का वही हाल है। और पाकिस्तान के चक्कर में आप देखते हैं कि हम लोगों को भी टेंशन रहती है। हमारे कई सैनिक आप देखते हैं आए दिनों आप सुनते रहते हैं कि शहीद होते रहते हैं। राजनीतिक दल की बात करें तो आप देखेंगे कि ये राजनेता भी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1980 से 1984 तक रहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब ये अपना राजनीतिक सफर शुरुआत करते हैं, राजनीति में अपनी एंट्री यानी कि एक तरह से शुरुआत करते हैं, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहते हैं 4 साल तक, यानी कि 1980 से 1984 तक। आप देखेंगे 1984 में ये कांग्रेस को छोड़ देते हैं और ये 1984 से 1992 तक शिरोमणि अकाली दल को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर आप देखेंगे बीच में उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई हुई थी और उसके बाद आप देखेंगे 1998 में ये अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, जिसमें आप देखते हैं कि इनका चुनाव चिन्ह पंजा है, हाथ का पंजा। और अभी तक आप देखेंगे ये कांग्रेस में शामिल है। अब आने वाले वक्त में क्या होता है ये तो आप लोगों को देखना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी राजनीतिक शुरुआत की। तो 1980 में पहली बार ये लोकसभा चुनाव जीतते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आप भी 18 साल के हो चुके हैं तो आप लोग भी लोकसभा सदस्य के लिए चुनाव एक तरह से वोट देने जाते होंगे। तो 1980 में ये लोकसभा सदस्य बनते हैं, सांसद बनते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि 1984 में आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, एक ऑपरेशन चलाया जाता है ब्लू स्टार। इसके बारे में एक सामान्य जानकारी दे देता हूं, लेकिन आने वाले समय में इस पर हम लोग एक पूरी क्लास भी रख लेंगे और विस्तार से काफी बात करेंगे इस पर। तो आपको बता दूं कि देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार किस कारण पंजाब में चलाया गया था। तो एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, भिंडरा वाले, ये अलगाववादी नेता थे। और आप देखेंगे कि पंजाब में एक तरह से अलगाव, आप समझते हैं कि भावनाएं इस तरह की पैदा करते रहते थे, देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाते रहते थे, नया देश बनाने की बात करते रहते थे, आप देखेंगे। और आप ये भी कहानी है कि कांग्रेस की काफी इन्होंने मदद की हुई है, राजनीतिक लाभ भी मिला हुआ है कांग्रेस को। लेकिन आप देखेंगे कि 1984 में हरमंदिर साहिब को जो आपके जनरल सिंह परिषद को आप देखेंगे कि एक तरह से भिंडरांवाले से मुक्त कराने के लिए जो हरिमंदिर साहब साहब को जो आप देखेंगे था, ये परिषद था, इस पर कब्जा था किसका, भिंडरांवाले का। भिंडरांवाले से एक तरह से आप कहिए कि मुक्त कराने के लिए, फ्री कराने के लिए, वहां से उन्हें हटाने के लिए आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था हमारी आर्मी के द्वारा। अब आपके मन में ये भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस तरह का कोई अलगाववादी नेता है, कट्टरवादी नेता है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह इनका पक्ष क्यों ले रहे थे और इस तरह के लोगों का पक्ष लेना भी नहीं चाहिए। एक बात आपको बता दूं कि जो आपका एक तरह से ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, इसमें आप देखेंगे सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि आप देखेंगे इसमें मंदिर पर भी गोलियां चलाई गई थी, मंदिर में आप देखेंगे आर्मी यानी कि जवान अंदर तक गए हुए थे। और आप देखेंगे पाठ चलते रहते हैं ना, एक तरह से आप देखते हैं कि पाठ होते हैं हर धर्म में, आप देखते हैं
तो 3 दिन यानी कि 6, 7, 8 जून 1984 को पार्ट नहीं हो पाए थे ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण। और यहां जो सिख समुदाय की जो पुस्तकालय था, जो लाइब्रेरी थी, इस ऑपरेशन में वो भी खाक हो गई थी, आग लगकर जल गई थी। और हाँ, एक और बात बताता हूं, जो अकाल तख्त था उसे भी नुकसान पहुंचा था, वो भी नष्ट हो चुका था। और आपको बता दूं कि अकाल तख्त धार्मिक दृष्टि से सिख धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और इन्हीं बातों को देखते हुए आप देखेंगे कि जो आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उनकी भावनाएं भी एक तरह से आहत हुई। और उस समय आप देखेंगे कांग्रेस की सरकार के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था, तो वो कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाते हैं। और वो आप देखिए कि जो कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। तो यही कहानी है इसकी, और कभी आने वाले समय में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और आपके पास गूगल है, वहां से भी आप लोग देखते रहिएगा। तो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के आर्मी एक्शन के विरोध में कांग्रेस पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अकाली दल में शामिल हो गए। वह अकाली दल के टिकट पर विधायक भी बने। और आप सभी जानते हैं कि एमएलए यानी कि विधायक, इसका चुनाव भी डायरेक्ट जनता के द्वारा ही होता है, यानी कि आप इसे भी चुनते होंगे, अपने क्षेत्र में विधायक को भी चुनते होंगे। और विधायक भी बनते हैं, और आगे चल के उसी समय पंजाब सरकार में एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट मिनिस्टर भी बनते हैं, मंत्री भी बनते हैं। और साल 1992 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शिरोमणि अकाली दल नाम से एक पार्टी भी बनाई। लेकिन आप देखेंगे उस समय विधानसभा जो चुनाव हुए उसमें उनकी पार्टी की बुरी तरह से हार होती है, यानी कि इनकी जो पार्टी बनाते हैं उससे सफलता नहीं मिल पाती है। और इसीलिए आप देखेंगे साल 1998 में, सॉरी यहाँ 98 कर लीजिए, 9 कर लीजिएगा, ठीक है, क्या है? मिस्टेक हो गया होगा, मिस्ट साल 1998 में उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लेते हैं। 1998 में या अपने कांग्रेस पार्टी में दोबारा अपनी पार्टी का एक तरह से विलय कर लेती हैं और दोबारा कांग्रेस में पहुंच जाते हैं। साल 1999 में आप देखेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और आप देखेंगे 2002 में वह पंजाब के मुख्यमंत्री बनते हैं, यानी कि इनकी पार्टी को बहुमत मिलता है और इनके पास काफी अच्छी संख्या में आप कह सकते हैं कि विधायक रहते हैं, और ये मुख्यमंत्री बनते हैं पहली बार। कब? सन 2002 की बात है। फिर आप देखेंगे साल 2014 के आम चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अरुण जेटली को अमृतसर से लोकसभा का चुनाव भी हराया था। इसीलिए बोल रहा हूं कि मैं नहीं कह सकता हूं कि ये कैप्टन अमरिंदर सिंह असफल राजनेता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2014 की लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के आगे कोई नहीं टिक पाया, बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए। लेकिन उस समय भी, उस दिन लहर में भी आप देखिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अरुण जेटली को, जो हमारे बीच अब नहीं अरुण जेटली, उन्हें चुनाव हरा देते हैं लोकसभा का। तो आप कह सकते हैं कि पावरफुल नेता हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो उसके बाद आप देखेंगे साल 2017 में चुनाव होता है आपका विधानसभा पंजाब में, और इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाती है, और इन्हीं के नेतृत्व में आप देखेंगे कांग्रेस ने यहाँ चुनाव लड़ा था, और कैप्टन अमरिंदर सिंह फिर से पंजाब के मुख्यमंत्री बनते हैं। और आप सभी जानते हैं कि 18 सितंबर 2021 तक एक कांग्रेस के ही विधायकों के विरोध के कारण इस्तीफा देना पड़ता है, यानी कि 18 सितंबर 2021 तक ये मुख्यमंत्री रहते हैं। लेकिन इनकी ही पार्टी के नेताओं के द्वारा बगावत किया गया, इनका विरोध किया गया, इनके कामों की आलोचना की गई, इन्हें टारगेट किया गया, और इसीलिए ये क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। और आप सभी लोगों ने इनका इंटरव्यू भी लास्ट टाइम का देखा होगा कि ये बोलते हैं कि हम बेइज्जत फील कर रहे हैं अपने आप को, हमें बेइज्जत किया गया। अक्सर आप देखते हैं कि किसी राज्य में अगर किसी सरकार बनती किसी पार्टी की, तो उसके अपने नेता टारगेट अपने मुख्यमंत्री को नहीं करते, अपने मुख्यमंत्री पर उंगली नहीं उठाते, विपक्ष का ये काम होता है।
लेकिन पंजाब में आप देखेंगे कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ, सिंह के खिलाफ, इनके ही नेताओं ने एक तरह से बगावत किए हुए। और आप देखिए कि अगर 2022 में अगर विधानसभा चुनाव हारती है कांग्रेस, पंजाब में की बात कर रहा हूं, तो एक फैक्टर ये भी रहेगा। एक तो आप सभी जानते हैं कि कैप्टन साहब एक तरह से शाही परिवार से आते हैं, और याद रखिए इनका जनता में काफी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। और मुझे लगता है कि आपने अगर इनका बैकग्राउंड देखा है तो आप समझ भी चुके होंगे कि इनके जनता में कुछ तो पकड़ है। तो ये कहानी है पूरी आपकी कैप्टन अमरिंदर सिंह की। चलिए, और किसी के बारे में बात करनी हो तो बताइएगा, उनके बारे में भी बात कर लेंगे। फिलहाल आप लोग एंजॉय करते रहिए, मिलेंगे हम लोग तो बार बार मिलते रहेंगे, कहाँ जाने वाले हैं।